बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का ही चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि फिजिक्स और साइंस जो है, इनके मीनिंग क्या होते हैं। फिर हमने टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पढ़े थे कि यूनिफिकेशन मतलब बहुत सारे फिनोमिना को कुछ ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ये यूनिफिकेशन होता है। रिडक्शनिज्म में हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कुछ सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके उस तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। फिर हमने इसमें पढ़े थे स्कोप। तो स्कोप पे हमने दो स्कोप पढ़े थे, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो हमें दिखाई देते हैं अपने चारों तरफ, हम जिन्हें देख सकते हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे डील किया जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंडर में। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स आती है, ऑप्टिक्स आती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब आते हैं। और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे आके, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये क्वांटम फिजिक्स हो गई, जैसे ये इसका एग्जांपल हो गया माइक्रोस्कोपिक डोमेन का। अब है एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। तो जो फिजिक्स है वो बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। अब क्या क्या हम क्यों उसको एक्साइटिंग बोलते हैं फिजिक्स को, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, मतलब पूरे यूनिवर्स में कुछ ही लॉज से काम किया जा सकता है। कि कुछ लॉज होते हैं जो कहीं भी चले जाएं दुनिया में सभी जगह अप्लाई हो जाते हैं। तो इजेंट इट एक्साइटिंग, है ना, कि कुछ ही लॉज हैं जो सभी जगह अप्लाई हो जाते हैं। सेकेंड, देर आर चैलेंजेस टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब जैसे स्पेस है, स्पेस में कितनी मिस्ट्री है, कितने सीक्रेट्स हैं, इंसान कब से कोशिश में लगा हुआ है कि वो उनको अनलॉक कर सके, और लगातार वो ट्राई करता रहता है कि मार्स पे पहुंच रहे हैं, दूसरी गैलेक्सीज के फोटो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत कुछ है जो नहीं पता है। तो एक तरह से ये सब चैलेंज हैं कि जो मिस्ट्रीज हैं, या फिर और भी हम अपने आसपास काफ़ी चीज़ों के बारे में देखते हैं कि जिनके रीज़न हमें कई बार नहीं पता चल पाते हैं, तो उनको सीक्रेट्स को अनलॉक करना, ये भी फिजिक्स में ही आता है। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक यूज़फुल डिवाइस है। और ये है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स के कुछ लॉज को अप्लाई करके डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो कि हमारी लाइफ को बेनिफिट देती हैं और हमारा काम आसान बनाती हैं। तो ये भी एक एक्साइटमेंट है फिजिक्स में। अब नेक्स्ट हेडिंग है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखिए, ये जो थ्री वर्ड्स हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये आपस में कनेक्टेड हैं। किस तरह से कनेक्टेड हैं ये तीनों, कि फिजिक्स के कुछ लॉज को अप्लाई करके कुछ डिवाइसेस बनाई जाती हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं यही क्या हैं, टेक्नोलॉजी हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स होती हैं कुछ, उन टेक्निक की हेल्प से कुछ मशीन बनती हैं, ये सब क्या है, फिर टेक्नोलॉजी हो गई है। और फिजिक्स के लॉज को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ये बनाई जाती हैं। इनका बेनिफिट किसे मिलता है, अगर कोई मशीन बन रही है तो बेनिफिट किसको मिल रहा है, सोसाइटी को। कुछ भी बनता है तो उसका अफेक्ट किस पर पड़ता है, सोसाइटी पर। जैसे फर्स्ट एरोप्लेन आया होगा तो कितना जर्नी जो है वो कितनी इजी हो गई होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना कम टाइम में पॉसिबल हो गया, कि कितनी भी दूर जाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत कम टाइम में जाया जा सकता है। ऐसे ही फ़ोन आने से लाइफ जो है वो कितनी चेंज हो गई है सबकी। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में कनेक्टेड है। अभी हम किस तरह से चले कि फिजिक्स है, फिजिक्स से ये टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से सोसाइटी, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स जो है वो इम्प्रूव करती है, ये प्रोग्रेस करती है। कैसे,
जैसे कि आपने टेलीविजन पर या आपने फोन पर कुछ चीजें देखी, आप टेक्निक का यूज, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं देखने के लिए कि आप कुछ डिवाइसेस हैं वो यूज कर रहे हैं, और उनसे आपने कुछ सीखा, कुछ सीख के मान लीजिए आपने कुछ नया बना दिया, कोई नया आपने रूल बता दिया, कोई नया प्रिंसिपल बता दिया, तो क्या हुआ उसमें फिजिक्स जो है वो आगे बढ़ी है फिर। तो इस तरह से फिजिक्स की प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी से, या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है फिजिक्स से, ये इस तरह से ये आपस में रिलेट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। तो हमने फोर्सेस के बारे में बात की थी कि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, या फिर जैसे और मस्कुलर फोर्स है, तो आपने भी कई फोर्सेस में पढ़ी होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह की आपने फोर्स पढ़ी होंगी। तो बाय यूनिफिकेशन क्या किया गया, बेसिक कुछ फोर्सेस ली गई या फोर टाइप्स की, और ये देखा गया कि जितनी भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स में वो इन फोर टाइप से ही ओरिजिनेटेड हैं, तो इसलिए इनको फंडामेंटल फोर्सेस बोल दिया गया। जैसे प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, कि वो प्राइमरी कलर्स यूज़ करके फिर बाकी सारे कलर्स बनाए जा सकते हैं, तो यही समझ लीजिए कि ये फोर्स के प्राइमरी कलर्स हैं। तो ये बेसिक टाइप की फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस की, सारी फोर्सेस फिर इनसे ही ओरिजिनेट हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो दोनों हैं ये उनसे डील करती हैं जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको मैक्रोस्कोपिक डोमेन में लाते हैं। मैक्रोस्कोपिक इनसे डील करता है जिन्हें हम देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब ये जो न्यूक्लियर वर्ड है इससे ही आपको पता चल रहा है कि कुछ न्यूक्लियस के बारे में है, एटम के न्यूक्लियस के बारे में है, और फिर वो तो बहुत छोटा होता है, इसलिए किस में आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने अभी तो बोला माइक्रोस्कोपिक में है, लेकिन जो लाइट है वो भी इसी में ही आती है। लाइट में ऐसा माना जाता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फोटॉन्स हैं ना उन पर फोर्स लगती रहती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ही जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती जाती है, तो इसलिए इसका कुछ पार्ट माइक्रो में भी आ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फोर टाइप की फोर्सेस जो हैं ये कौन कौन सी, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो आप अच्छे से बहुत इसको हम पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से फैमिलियर हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स दो मास के बीच में लगती है, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नो मैटर कि वो कितनी डिस्टेंस पर हैं, नो मैटर कि उनका मास क्या है, अगर उनमें मास है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या ज़रूरी है, मास, कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ मास है तो वो एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाएंगे, और वो जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा ये अट्रैक्टिव ही होगी, ये कभी रिपेल नहीं करेंगे दो मास की कोई है तो ये ऐसे दूर हट जाए फोर्स से, हमेशा अट्रैक्ट ही होंगे। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है इसमें ऐसा होता है कि जो दो मास लिए जा रहे हैं उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, अगर हम उस डिस्टेंस को आर मान लें तो जो फोर्स है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये सब अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, आप ये सब डिटेल में, काफ़ी डिटेल में आप ये आगे पढ़ेंगे जब आप इन
नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप ये सब पढ़ने वाले हैं काफी हद तक, जो जो भी अभी इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ ये डिस्टेंस होती है जिसके स्क्वायर के इनवर्स होता है फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, अब हमने बात की कि पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो वो फोर्स लगाएंगे, तो बहुत दूर तक की डिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। वीकेस्ट फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स है। अगर ये फोर्स ज़्यादा होता तो सब चीज़ें आपस में चिपक ना जाती, कि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो बहुत कम है। और वो फोर्स बहुत कम क्यों होती है, आपको अगर याद हो 9th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, G m1 m2 upon r square, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। इसमें ये जो जी होता है ये होता है 6.67 × 10⁻¹¹। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू में 10⁻¹¹ देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसलिए ऐसा होता है कि ये मासेस की मल्टीप्लाई तो हो गई, लेकिन ये जो जी है ये इस पूरे फोर्स के इफेक्ट को बहुत कम कर देता है। और डिस्टेंस से तो है ही इन्वर्सली, तो इससे डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो भी फोर्स कम हो जाता है। इसलिए जो फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है सभी फोर्सेस से, इस जी की वैल्यू की वजह से। अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि कोई दो मास कहीं पर भी रखे हो तो इस लाइन पर फोर्स काम करेगा। इन दोनों मासेस के बीच की ये जो लाइन है ये सेंट्रल लाइन हो गई है, तो फोर्स इसी के अलोंग काम करेगा। ऐसे ऐसे वो इधर कहीं नहीं जाएगा, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि जो वर्क डन है इस फोर्स की वजह से वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि दो मास हैं, जैसे कि ये है मास और हम एक और ये इस तरीके से ले लेते हैं, इनको हमने ऐसे रखा है, तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो इनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और इनके मासेस पर डिपेंड करेगा। इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा कि इसको ऐसे करके लाके यहाँ पर रखा गया है या इसको ऐसे करके यहाँ फिर से ऐसे लाके रखा गया, तो पाथ से इंडिपेंडेंट है। बस किस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से रखे गए हैं, उनके बीच के डिस्टेंस क्या है। तो ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। हम कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो उस ग्रेविटी की वजह से सब वापस अर्थ पे आ जाते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। अगर फोर्स में कुछ भी डिस्टरबेंस हुआ कि कम ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, सारा सोलर सिस्टम वो बिखर जाएगा।